हेलो एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। हम हमारे डेली लाइफ में हमारी बेसिक नीड से बहुत से मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। कुछ उसमें से हमें नेचर से मिलती है और कुछ ऐसी होती है जो हम ह्यूमन इफर्ट से बनाए जाते हैं। और इसी लिस्ट में हमारे जो हमारी बेसिक नीड है उसमें एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल सारी चीज़ें आती है। सिंस ये सभी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है सो इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। अब एयर, वाटर, सॉइल ये सारी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रही है, तुमने लास्ट क्लासेस में सीख लिया था। और कुछ जैसे लाइट की अवेलेबिलिटी है, जो हमें लाइट मिल रही है नेचर से, और नेचुरल रिसोर्स जो है, और जो लाइट मिल रही है वो सबको मिल रही है, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मिल रही है। तो अब ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये क्लासिफाइड दो काइंड में हुए हैं, डिवाइड दो पार्ट में हुए हैं। एक है इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड वन इज एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आता है, जो रिसोर्सेस हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, वो इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हो सकता है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्टेड भी कितना भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट एंड एयर, इस पर कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही यूज करना है, ये हम कितना भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ये ऐसे रिसोर्सेस जो लिमिट में है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका ज़्यादा यूज भी हो सकता है ह्यूमन की एक्टिविटीज में, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेस और जो वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें हमें लिमिटेड में मिली है। आज हम ट्रीज को यूज करके पूरा फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सो ये सारी चीज़ें एग्जॉस्टिबल में आ जाएगी। अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्सहॉस्टिबल जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये कैसे बनता है। ये कैसे दीज आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे फॉसिल कहा जाता है, इसलिए इसे ही ये फॉसिल से बनता है, तो इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम फर्स्ट पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल का पिक्चर दिया है, अगर नहीं देखा, सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये कैसा होता है, हार्ड एज स्टोन, स्टोन पत्थर की तरह हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड अर्लियर। इट इज यूज इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल जो है पहले तो फूड कुक करने में भी यूज होता था, और पहले के टाइम पे रेलवे इंजिन्स में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जो रेलवे इंजिन्स कोयले से चलते थे, सुना होगा मूवीज में भी, पुराने मूवीज में देखा होगा। और ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोल को आज भी फ्यूल के जैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ कोल। अब ये कोल आया कहाँ से वो हम देखेंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग बैक्टीरियल लैंड। अब 300 मिलियन ईयर्स के पहले फॉरेस्ट था जो लो वेट एरिया लैंड में था, और कुछ नेचुरल प्रोसेस, जो भी नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ा है नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी, फ्लड ये सारी चीजें हैं, उसके वजह से क्या हो गया, ये जो भी फॉरेस्ट था वो बरीड हो गया सॉइल के अंदर, और जो भी इसके ऊपर फिर धीरे धीरे सॉइल डिपॉजिट होते गया वो फॉरेस्ट के ऊपर, और कंप्रेस्ड होते गया, और टेम्परेचर भी बढ़ता गया, और वो डीप अंदर तक वापस डीप एंड डीप वो सैंक होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी वो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में, और कोल मेनली क्या कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करता है। ये स्लो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये जो भी प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन कन्वर्ट हो रहा है कोल में, वो ही उसे ही कहा जाता है कार्बोनाइजेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब ये वेजिटेशन के रिमेन से बन रहा है इसलिए कोल को भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है।
सी इस पिक्चर में कोल माइन दिया है, कोल माइन जहाँ से कोल हमें मिलता है वो. अब व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब अगर उसे बर्न किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. और जो भी कोल है वो इंडस्ट्रीज में बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि कोक, कोल टार, कोल गैस, ये सारी चीजें पाने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोक. ये कैसा रहता है, टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलता है कार्बन से, कार्बन का प्योर फॉर्म है. तो कोक जो है वो स्टील के मैन्युफैक्चर में और एक्सट्रैक्शन ऑफ अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है. नेक्स्ट इज कोल्टार. कोल्टार ये कैसा होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल. इसके स्मेल अच्छे नहीं होते हैं. इट इज मिक्सर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल्टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, प्लांट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा. अब इसे लगभग 200 सब्सटेंस मिलकर बना हुआ है और जो भी ये प्रोडक्ट्स इससे मिलते हैं कोल्टार से ये किसमें यूज होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल. ऐसे तो स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, प्लांट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सारी चीजों के लिए. इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन वॉल यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल्टार. जो भी नेप्थलिन बॉल्स होते हैं कपड़े में डाले जाते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, कोल्टार से ही मिलता है. नेक्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जब कोल से हम कोक निकालते हैं तो जो भी गैस इवॉल्व आउट होता है वो होता है कोल गैस. और ये कोल गैस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में फ्यूल के तौर पे इसे यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे. पेट्रोल तो सबको पता होगा कि आज के जमाने में हर मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स, कार, हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, पर ये जो छोटे छोटे हैं ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर कार्स, ये सारे पेट्रोल पे चलते हैं. तो जो भी पेट्रोल और डीजल है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है उसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है. ये पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, दो वर्ड, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल. एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ, अर्थ से ही मिलता है ये हमें, अर्थ के रॉक से मिलता है. तो हमें पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है अब हम ये देखेंगे. पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो भी सी में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनसे मिलता है. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. जैसे ये जो भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसका जो बॉडी रहता है वो नीचे सी के बॉटम पार्ट में सेटल्ड हो जाता है, उसके ऊपर सैंड और क्ले का लेयर आ जाता है. फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वहां पे उसे एयर नहीं मिलता और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से क्या हो जाता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सी इस पिक्चर में दिया है, नीचे के पिक्चर में बताया गया है कि कैसे हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट हो रहा है और मिल रहा है हमें. इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यू कैन सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इन अबोव दैट ऑफ वाटर. अब इसमें जो सेटल्ड हो जा रहे और जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वो ऊपर की ओर ही हमें मिल जाएंगे. क्यों, हमें पता है कि पानी में पेट्रोल मिक्स नहीं होते हैं, वो ऊपर ही फ्लोट होते रहते हैं. क्योंकि पेट्रोलियम जो है और ऑयल है और गैस वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए उससे वो मिक्स नहीं होते हैं. सो वो ऊपर ही भाग में फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ये पेट्रोलियम को कैसे हम रिफाइन कर रहे हैं. पेट्रोलियम कैसा होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है, उसका भी अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है और इसके इसमें बहुत से चीजें मिक्स हुए होते हैं ऑलरेडी पेट्रोलियम में. गैस, पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है. The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. अब इसमें ये बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है तो
उसे अलग अलग मतलब उसे सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिससे पेट्रोलियम रिफाइनरी कैरेट करती है। सी यहाँ पे पिक्चर में दिया है पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में, और इस टेबल में दिया है जो जो कंसिक्वेंट है पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में ये सारी चीजें मिक्स होती है वो किस में यूजेस होती है वो भी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये इजी है, जिसे हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप से। नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर में कंप्रेस करके उसे रखा जाता है। सीएनजी सबने सुना होगा, सीएनजी यूज होता है पावर जनरेशन में, और आजकल सीएनजी जो है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी यूज हो गया है, यूज होने लगा है ज्यादातर, क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग है, इट इज क्लीनर फ्यूल। इसका एडवांटेज क्या है सीएनजी का, कि इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं घर में, फैक्ट्रीज में, और इसे इजिली सप्लाई किया जा सकता है पाइप्स के थ्रू। और ऐसे नेटवर्क्स जो पाइपलाइंस हैं वो वडोदरा गुजरात में है और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में भी हैं। और नेचुरल गैस जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है बहुत से केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में। इंडिया एक वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस है। हमारे कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में हमें इजिली देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे है कि लिमिटेड है। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेस जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें लिमिट में ही है। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल, अब उसके लिए डेड ऑर्गेनिज्म की जरूरत है और बहुत से मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए तभी जाके वो कन्वर्ट होगा फ्यूल्स में। तो जो भी ये रिजर्व्स है वो उसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। तो अगर हम इसे और इससे जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, अगर हमें जितनी जरूरी है उतना ही यूज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी बच जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम रहेगा और ये हमें ज्यादा टाइम तक मिलेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आज हम यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर। अब हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन है PCRA, वो पीपल को एडवाइस करता है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं ड्राइविंग में, जैसे कि ड्राइविंग एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, कम से कम मॉडरेट स्पीड यूज करें हम जितनी जरूरत है उतनी ही, स्विच ऑफ द इंजिन एट ट्राफिक और वेर यू हैव टू वेट, जहां वेट करना है और ट्राफिक लाइट अगर है तो हमें हमारी गाड़ी की इंजन को बंद कर देना चाहिए, एंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ टायर प्रेशर, प्रेशर सही होना चाहिए टायर का, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए हमारे व्हीकल का। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।